अब हम आपको चावल की पकौड़ी को तोड़ के भी दिखाते हैं। देखिए कितना अच्छा चावल की पकौड़ी बना है। आप इसे शाम में चाय के साथ सर्व कर सकते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं रेणुका लाल अपने चैनल रेणुका की रसोई में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम फिर एक नई डिश लेकर आई हूँ जो 5 मिनट में झटपट बन जाते हैं और खाने में भी बहुत टेस्टी लगते हैं। तो आइए घर में जो बच जाते हैं चावल, उसी चावल से आज हम पकौड़ी बनाएंगे। तो आइए हम पकौड़ी बनाते हैं। आज हम बनाएंगे चावल का पकौड़ा। तो चावल जो घर में जो बच जाता है और उसको बहुत लोग वेस्ट कर देते हैं, फेंक देते हैं, तो आज हम उसी चावल को फेंकेंगे नहीं और हम उसी चावल को पकौड़े बनाएंगे। तो देखिए पकौड़ी बनाने के लिए कुछ सामान इस तरह से है। चावल हमने 1 कप ले लिए हैं, बना हुआ चावल है तो 1 कप हमने ले लिए हैं। और यहाँ जो है सो शिमला मिर्च 1 कटी हुई हम ले लिए हैं और प्याज 1 ठो हम उसको भी काट लिए हैं और अदरक है 1 इंच उसको भी कद्दूकस कर लिए हैं। और बाइंड करने के लिए हमने 1 कप बेसन ले लिए हैं और मसाला है हल्दी, धनिया, मिर्चा और गरम मसाला और कस्तूरी मेथी। तो सबसे पहले हम ये चावल को मिक्सी में पीस लेते हैं, इसका एक बैटर बना लेते हैं। हमने चावल जो लिए थे उसे हम पीस लिए हैं। अब हम इसे एक बॉल में निकाल ले रहे हैं, इस तरह से सारा को निकाल लेंगे। देखिए हमने चावल को पीस लिए हैं। अब हम इसमें जो प्याज और शिमला मिर्ची सब जो काट के रखे थे उसको हम इसमें ऐड कर देते हैं। इस तरह से सभी को हम इसमें डाल देंगे। बेसन रखे थे 1 चम्मच उसको भी इसमें बाइंड करने के लिए इसमें डाल दे रहे हैं और मसाला सब ऐड कर लेते हैं। 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला, 1 कस्तूरी मेथी को इस तरह से हाथ से मसाल के डालेंगे जिससे इसका टेस्ट अच्छा आ जाता है और नमक स्वाद अनुसार डालेंगे। देखिए नमक स्वाद अनुसार इसमें मिक्स कर लें। अभी सभी को मिला लेते हैं इस तरह से। सभी को मिक्स कर लेते हैं। देखिए मेरा मिक्स हो चुका है। इसी तरह सभी को हम मिला लिए हैं और अच्छी तरह मेरा मिक्स हो चुका है। अब चलिए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए हमने गैस जला के कढ़ाई चढ़ा दिए हैं और उसमें हम जो है सो तेल डाल दिए हैं। तेल मेरा गरम हो चुका है। अब चलिए हम इसमें चावल का पकौड़ी बना लेते हैं। देखिए हम चावल का पकौड़ी अब इसमें हम डाल दे रहे हैं। तेल गरम हो चुका है। देखिए हमने सारा पकौड़ी को हम डाल दिए हैं। अब इसे हम 5 मिनट के लिए छोड़ देते हैं पकने के लिए, फिर हम इसे पलट लेंगे। देखिए एक साइड हो चुका है। अब हम इसे धीरे से पलट ले रहे हैं। सारा हम इसी तरह पलट लेंगे।
ये हमारा पकौड़ी बन के तैयार हो गया। अब हम इसे निकाल ले रहे हैं प्लेट में। इसी तरह सभी को निकाल लेंगे हम। अब हम आपको चावल की पकौड़ी को तोड़ के भी दिखाते हैं। देखिए कितना अच्छा चावल की पकौड़ी बना है। आप इसे शाम में चाय के साथ सर्व कर सकते हैं। तो देखा दोस्तों कितना आसान है इसे बनाना। इसे आप भी ट्राई कीजिए और मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, मुझे कमेंट कर दीजिए और अपने दोस्तों के बीच वीडियो को शेयर कर दीजिए और मेरे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरी आगे की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। थैंक यू।